बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों एक और धमाकेदार वीडियो आ गई है, इसमें आपको मुकम्मल तफसील और तरीक़ाकार आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है 1.5 से 2 लाख रियाल का कर्ज़ा ले सकते हैं, वो भी पाकिस्तान में मुल्क भर से आप जो है ये कर्ज़ा ले सकते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके कोई रिश्तेदार दोस्त सऊदी अरब में रहते हैं तो सऊदी अरब वाले भाई दोस्त भी ये कर्ज़ा वहाँ पे रहकर ले सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से भी ले सकते हैं या करीबी फ्रेंचाइज में जाकर भी आप ले सकते हैं। दोनों मर्द और ख़वातीन ले सकते हैं। मुकम्मल तफसील, तरीक़ाकार, वेबसाइट और फ़ोन नंबर आपको दे दूंगा ताकि आप आसानी के साथ जाके जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। चाहें तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें और चाहें तो आप करीबी ब्रांच में जाके इसको आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो कर्ज़ा है आपको ज़ाती कारोबार के लिए दिया जा रहा है, 1 से 3 लाख 1.5 से 2 लाख रियाल का आपको कर्ज़ा दिया जा रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट्स लाजमी कर दिया करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। जी दोस्तों, ये जो कर्ज़ा है आप अपने ज़ाती कारोबार के लिए ले सकते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तब भी आप ले सकते हैं, कोई मेहनत मजदूरी करते हैं तब भी आप ये कर्ज़ा ले सकते हैं। इसमें गारंटी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये है कि आप मुल्क भर से मर्द और ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं और सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको रीपेमेंट, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पैसे आपने वापस करने हैं ये 48 महीने के अंदर आपने इनको वापस करना है। 1 से 5 साल के लिए ये जो है आपको कर्ज़ा दिया जाता है। और यहाँ पे फिनेंसिंग की बात करें तो ये जो है आपको 1.5 से 2 लाख सऊदी रियाल में जो है कर्ज़ा दिया जाता है। और उसके बाद जो है ये आप चाहें तो एक साथ अदा कर सकते हैं और चाहें तो आप किस्त वाइज ये कर्ज़ा वापस कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आसान तरीके के साथ जो है आप इसको कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, करीबी फ्रेंचाइज में जाकर भी कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, 18 से 22 साल वाले जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र की हद है 65 साल है, 18 से 65 साल वाले जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जब आप आएंगे, मतलब कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, पहले मैं आपको इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लें, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, आपकी उम्र जो है 18 से 22 साल है, तो आप अगर सऊदी रिहायशी नहीं हैं तब भी आप ले सकते हैं, अगर सऊदी रिहायशी हैं तब भी आप ले सकते हैं। और ये जो है आप अपनी ज़ाती कारोबार के लिए ले सकते हैं, कोई कारोबार चल रहा है उसको बढ़ाने के लिए ले सकते हैं या नया कारोबार करने के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप नौकरी करते हैं कोई सऊदीया में तो तब भी आप ये ले सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, आपकी जो है कम से कम सैलरी जो है 10,000 है, तब भी आप जो है ये ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको आपने अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ तफसील, ताकि आपको जो है मुकम्मल तफसील मिले। और इसकी जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ये हमारा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो जा रहा है,
जिसकी वजह से जो है हमें थोड़ा सा मसला यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर अप्लाई की बात करें तो आपके पास अगर सऊदिया का शनाख्ती कार्ड है तब भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास सऊदिया का कोई रिहायशी सबूत है, वीज़ा, पासपोर्ट, या आपके पास कोई अकामा वगैरह है, या आपके पास कोई और वहाँ पे सर्टिफिकेट है, तो आप जो है ये ले सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो लोन है आपको रियाज बैंक जो है दे रहा है, सऊदिया का रियाज बैंक जो है कर्ज़ा ये दे रहा है। इसकी जो वेबसाइट है मैं आपको बता देता हूँ, इसका फ़ोन नंबर है 8001242020 पर आप जो है इसको कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें आप जो है इसको यहाँ पे करेंगे, आप सऊदिया में रहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, सैलरी है तो यस, नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे जो है पर्सनल इस्तेमाल के लिए करने के बाद यहाँ पे जो है फाइंड लोन पे आप कर लेंगे। इसकी जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन इसका जो सबसे पहले जो है ऑनलाइन मतलब कि आपने इसको अप्लाई करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप जो है शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पे कौमियत नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे, आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, कोई भी हैं, यहाँ पे लिख देंगे अपना जो शनाख्ती कार्ड वाला जो नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे लिखने के बाद जो है कैलेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है। हिजरी कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं या आप ग्रीगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस है तो अगर मंथली सैलरी है तो वो भी आप लिख देंगे, और मौजूदा आपकी सैलरी जो है वो लिख देंगे। यहाँ पे अपनी जो है सैलरी टाइप लिख देंगे, शहर का नाम लिख देंगे, यहाँ पे रीजन जो है सूबा या आप कोई ज़िला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जॉब जो भी आप करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपकी जो है पीरियड सेलेक्ट करेंगे कि आप कितने महीने या साल के लिए ये कर्ज़ा लेना चाहते हैं। आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे कैलकुलेट पे करेंगे तो आपको जो है बैंक 2 से 3 दिन के अंदर बैंक रابطہ करके आपको ये जो है लोन दे देगा। इसकी जो वेबसाइट है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बैंक का नाम है रियाज बैंक और ये riyadhbank.com इसकी जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपके सामने शो भी करवा देता हूँ। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन अप्लाई करें या करीबी ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दें, और अच्छा सा फीडबैक देने के लिए नीचे कॉमेंट्स कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।